गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि बात पूरी तरह समझ में आए। मसूद साहब, वाहगा बॉर्डर से पहला ही सवाल है जी, मोहम्मद वसीम साहब ने पूछा है, और अभी मैं कमेंट देख रहा था तो किसी ने कहा हुआ था कि मैं बड़ा होकर तारिक मसूद बनूंगा। तो खैर, आप जवाब इनायत फरमाएंगे, क्या नापाक कपड़ों को ऑटो मशीन में डालने से वो कपड़े पाक हो जाएंगे? नीज धोबी को जो कपड़े दिए जाते हैं उनका क्या हुक्म है? बार बार आ चुका है सवाल। देखें, ऑटो मशीन में कपड़े डाल के पाक उस सूरत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑटो मशीन में अगर कपड़े डाले हैं तो पाक उस सूरत में होंगे कि या तो उसमें पानी को जारी किया जाए जो कि बहुत मुश्किल होता है, ज़ाहिर है ऑटो मशीन का मतलब ये होता है वो सारे काम खुद बहुत करेगी, तो वो जहाँ तक मुझे मालूम आते हैं वो मशीन पानी को जारी नहीं करती। ठीक है। या फिर ये कि इतना पानी उसमें हो कि 3 दफ़ा पानी वो मशीन निकाल के बाहर फेंक दे, तो अगर ये दोनों अमल नहीं होते तो कपड़ा पाक नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप ऑटो मशीन में कपड़े धोने के बाद एक मरतबा उसमें से उसके ऑटो सिस्टम को बंद करके उस मशीन में पानी डालें, एक तरफ से पानी जाए और दूसरी तरफ से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो थोड़ी सी देर ये अमल होगा तो कपड़े पाक हो जाएंगे। दूसरा क्या पूछा है इन्होंने? दूसरा पूछा है कि धोबी वाले जो कपड़े होते हैं उनका क्या होता है? धोबी का यही है कि अगर वो आपको यकीन है कि कपड़े पाक करके देता है, यानी वो प्रोसेस जो पाक करने का तरीका है, पानी को बहा दिया जाए या कम अज़ कम 3 दफ़ा धोया जाए, अगर आपको यकीन है कि वो ये अमल कर रहा है तो फिर तो जायज़ है, यानी जायज़ का मतलब कपड़े पाक हो जाएंगे। और अगर ये यकीन नहीं है तो फिर फ़िका का कायदा है अल असलु फ़ी कुल्ली शैइन बका उमाकाना अला माकान, जो चीज़ जैसी थी वैसे ही समझी जाएगी। अगर कपड़े पाक दिए थे तो पाक ही समझे जाएंगे क्योंकि नापाक होने की कोई दलील नहीं है, और अगर पहले से नापाक थे तो नापाक ही समझे जाएंगे क्योंकि पाक होने की कोई दलील नहीं है। ठीक है। तो जिस हालत में कपड़े दिए हैं वो वैसे ही समझे जाएंगे। सही।